हाय दोस्त, अशोक इंस्पायर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, देखिएगा आगे जस्ट थोड़ा सा थ्योरी है, देख लीजिएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन। अब इससे फॉर्मूला क्या क्या बनेगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? एक गुना में है इधर आके, भागा में चलाएगा यानी बटा में, वन बटा कोसेक थीटा होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर कोसेक निकालना होगा, कोसेक थीटा बराबर वन बटा साइन थीटा, ठीक है। फिर एक होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन। तो यहां से निकालेंगे क्या? कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है वन बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, सेक थीटा बराबर वन बटा कॉस थीटा, ठीक है। और एक लास्ट होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन। यहाँ से हो जाएगा टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन थीटा सिर्फ तो गुना में है इधर आके, बटा में हो जाएगा कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा टैन थीटा, ठीक है। ये तो हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन। मेनली यही तीनों याद रखना, इसी से ये तीनों भी आई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तीनों से ये वाला बना है, ठीक है। और दो और है, जैसे टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या? कॉस थीटा। आयोग होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं इसके। अब आता है यहां, देखिएगा एक और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। क्या होता है? वन, ठीक है। अब इससे फॉर्मूला क्या क्या बनता है देखिएगा। हम पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वन इधर प्लस है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप बोलेंगे ये स्क्वायर को ना इधर भेज दीजिए, यानी कि साइन थीटा बराबर इधर हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये कैसे हुआ बता दे रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, रूट में होता कैसे है? हम दोनों तरफ वर्गमूल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्गमूल कर रहे हैं। अगर दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो इधर दो है तो एक बचेगा, एगो बचेगा, वर्गमूल दो के एगो बाहर निकलता है ना। अगर दोनों तरफ हम इधर हूँ, अगर यदि इधर हूँ, अगर वर्ग करेंगे इधर हूँ, वर्गमूल करेंगे दोनों कड़े वर्गमूल करेंगे तो इधर हो जाएगा क्या? इधर खाली साइन बन जाएगा। तुम लोग कहेंगे सर वर्गमूल ही क्यों करेंगे? अरे वर्गमूल करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे मान लिया जाए, इधर मान लिया जाए, देखो ध्यान से, 2x बराबर मान लिया जाए यहाँ पड़ी 4 है। अगर मान लिया जाए इधर गुना 2 से कर रहे हैं तो इधर भी गुना 2 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर मान लिया जाए इधर वर्गमूल करना है, मान लिया जाए यहाँ पे 4x नहीं है, यहाँ पड़ी मान लिया जाए 4x स्क्वायर है, क्या है? एक्स स्क्वायर है। अब एक में देख लीजिएगा, वर्गमूल करने से इधर वर्गमूल कर देंगे, इधर भी वर्गमूल कर देंगे तो क्या होगा देखिएगा। यहाँ 2 और यहाँ x का 2 है तो 1 हो जाएगा, और बराबर यहाँ कितना हो? 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आया? 1। x बराबर क्या आया? 1, ठीक है। ऐसे भी x बराबर 1 ही होगा, देखो प्लस माइनस में 1 होगा। जैसे 4x स्क्वायर बराबर 4 है, 4 से 4 कैंसिल, यानी x स्क्वायर बराबर 1, यानी x बराबर प्लस माइनस 1 होता है, माइनस हटा दो अभी, ठीक है।
यानी कि वन आया कि नहीं, दोनों में सेम सिचुएशन है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, वर्गमूल अगर दोनों करेंगे तो इधर अंडर रूट, इधर तो सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा, इधर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो इसका हो गया, अगर आपकी हम कॉस स्क्वायर को रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है। फिर अगला एगो फॉर्मूला होता है, अगला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस में, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छे देखिएगा, स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ना टेन को क्या करना है, उधर ले जाना है, वन को इधर लाना है, यानी कि जैसे सेक को इधर ही रह देते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा वन को इधर ला रहे हैं, माइनस वन बराबर टेन को उधर ले गए, प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कुछ बोलेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा स्क्वायर को इधर ले लाए हैं तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टेन थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिटा रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा ये सब। आगे देखिए, एक और है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तब यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन इधर माइनस है तो इधर आके प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर इधर है, उधर जाके रूट में, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट को निकालना है, कॉट को, यानी कि यहां से हम निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन इधर आ जाएगा तो माइनस में, माइनस वन बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर पहले लिख देते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहां से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये था अब तक के फॉर्मूला। तो इसमें मेनली, इसमें भी मेनली तीन गो है, इसी से बना है, एगो यहां पे ये हो गया और एगो यहां पे ये वाला हो गया और एगो ये वाला हो गया। ये तीनों अगर याद रहेगा तो ये सब बन जाएगा, ठीक है। तो इसको छाप लीजिए और तीन से चार बार कॉपी पे लिख लिख के याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं याद होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉस ए के और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो अभी जितना फॉर्मूला लिखा था ना, बस याद रहेगा, सब बन जाएगा। देखिए साइन ए क्या है, साइन ए बराबर क्या होता है, वन बटा अभी लिखवाए थे कॉसेक ए, क्या ये कॉट ए के पद में आया है, अभी नहीं आया है, ठीक है। तो इसको फिर चेंज करेंगे तो साइन ए बराबर वन बटा कॉट कॉसेक ए बराबर अभी फॉर्मूला ही लिखवाए थे कि अंडर रूट वन प्लस क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अरे यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी देगा, एंगल ए से लेके जेड अल्फाबेट कुछ भी देगा, ठीक है ना, यहाँ डिग्री भी देगा। तो देखिएगा ये तो हो गया
पहला क्वेश्चन, दूसरा सेक ए, सेक ए, सेक ए बराबर होता है वन बटा कॉस ए, क्या होता है वन बटा कॉस ए, ठीक है। अब यहां से ना फॉर्मूला एगो देखिएगा निकलता है क्या, एगो फॉर्मूला होता है कि कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए होता है। अच्छे तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर कॉट ए इंटू साइन ए, कैसे ये बटा में था इधर आके गुना में चलाया हुआ, ध्यान दीजिएगा कॉस ए बराबर कॉट ए इंटू साइन ए। अब ये जो ना कॉस ए बराबर इतना आया ना कॉट ए इंटू साइन ए यहाँ बैठा देना है, तो यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा वन बटा कॉट ए इंटू साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा इधर काट के बता रहे, वन बटा साइन ए बराबर क्या होता है, वन बटा साइन ए, वन बटा साइन ए होता है कोसेक ए और बटा में कॉट ए। अब बताइए कि कोसेक ए बराबर अभी बताए थे अंडर रूट वन माइ वन प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटा में कॉट ए, आया कॉट ए के पद में आया ना। अब लास्ट बचे क्या टैन ए, टैन ए बराबर तो एक ही फॉर्मूला अभी बताए थे कॉट ए आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा है क्वेश्चन, कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। बड़ी आसान है, कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है, तो बच्चे यहां पे कौन ए दिया है, जरूरी नहीं कौन ए भी देगा, कौन बी भी देगा, कौन सी भी देगा, कौन अल्फा देगा, बीटा देगा, थीटा देगा, थीटा के रूप में तो सब सारे बतावे किए हैं फॉर्मूला, तो यहां पे एंगल से मत जाना, ठीक है ना। एंगल थीटा है तो थीटा रहेगा, बी यहां कौन ए है तो ए रहेगा, ठीक है। तो साइन ए और निकालना है साइन ए कॉस ए टैन ए एवं नहीं टैन ए कॉट ए एवं क्या निकलेगा कॉट ए एवं कोसेक ए का निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, ठीक है ना। देखिए साइन ए का फॉर्मूला निकालना है किसमें, सेक ए में निकालना है, ठीक है ना, सेक ए के पदों में निकालना है अनुपात में, ठीक है। तो साइन ए बराबर हम जानते हैं कि साइन ए बराबर नहीं साइन स्क्वायर ए माइनस मतलब प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर वन होता है, होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिएगा तो यहां से हो जाएगा साइन ए बराबर हो जाएगा स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख दें क्या वन बटा सेक ए, अब स्क्वायर में है तो वन बटा सेक स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा साइन ए बराबर रूट अंडर वन माइनस वन बटा सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो यानी कि हो जाएगा साइन ए बराबर अंडर रूट एलसीएम लेगा तो सेक स्क्वायर यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, अब ई स्क्वायर है तो इसके इस पर वर्गमूल नहीं रहेगा, यानी कि साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा में सेक ए बच्चे का स्क्वायर से वर्गमूल नीचे वाला पे हट गया, ठीक है। अच्छा इसी का अपोजिट होता है क्या, इसका अपोजिट होता है
कोसेक ए, कोसेक ए बराबर क्या होता है, इसका साइन का उल्टा कोसेक, यानी कि नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी कि कोसेक ए क्या होता है, वन बटा साइन ए होता है ना, वन बटा साइन ए होता है ना। अब साइन ए ये वाला जो मनवा आया है ना, इस पे बैठा देना है, यहां पे बैठा देंगे, यानी वन बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बटा में सेक ए, ये वाला ए ऊपर चल जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट से, यानी कि सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यही हो जाएगा। दुगो बता दिए, एगो साइन के निकल गया, यानी कि यहाँ पे निकला कने, एगो यहाँ पे है साइन के, एगो साइन के हो गया, यहाँ पे है दे ई वाला और एगो कोसेक का ये वाला हो गया, ठीक है, यहाँ पे है आंसर। आ जाते हैं टैन में, टैन में टैन ए बराबर होता है साइन ए बटा, देखिएगा कोसेक ए, कोसेक ए बराबर होगा साइन का उल्टा हो जाता है ना, वन बटा साइन ए, तो कोसेक ए बराबर वन बटा साइन कितना आया है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा में सेक ए, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि सेक ऊपर चल जाएगा, यानी कि कोसेक ए बराबर सेक ए बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। अगला है साइन का हो गया, कोसेक का हो गया, अगला ये वो कॉस का निकाल रहे हैं, कॉस का तो आसान है, जानता होगा, वन बटा सेक ए, ठीक है, इतना उतारिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं, वीडियो रोक कर उतारिएगा, नहीं तो ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिएगा हो गया साइन का, हो गया कॉस का, हो गया और कोसेक का हो गया, अब टैन का निकालते हैं, ठीक है, टैन का, तो टैन, टैन ऐसा होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर वन होगा, अभी फॉर्मूला पिछला बताए थे, तो यहां से हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए, ए नहीं आ जाएगा तो माइनस में वन बराबर टेन स्क्वायर ए, अब खाली टेन स्क्वायर निकालिए, यहां से टेन स्क्वायर, टेन ए बराबर खाली होगा, यानी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, अब कॉस स्क्वायर को ना चेंज कीजिए, सेक में चेंज कीजिएगा, अब स्क्वायर में है तो वो भी स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि वन बटा सेक स्क्वायर माइनस वन है, इसका क्या है अंडर रूट है टेन ए, टेन ए, अच्छा यहाँ इधर में कर दे रहे हैं, टेन ए बराबर अंडर रूट, इसको एलसीएम ले लेते हैं, सेक ए उधर हो जाएगा क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर है ना, अंडर रूट यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी है यहाँ पे वन होगा, वन माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, अभी स्क्वायर है तो नीचे वाला पावर का मूल हट जाएगा, यानी कि टेन ए बराबर अंडर रूट वन माइनस सेक स्क्वायर ए बटा में सेक ए, अभी निकालना है कॉट ए, कॉट ए वन बटा टेन ए होता है, टेन ए कितना आया है रूट अंडर वन माइनस सेक स्क्वायर ए, ये बैठा दीजिए, यानी वन बटा रूट अंडर वन माइनस सेक स्क्वायर ए बटा में सेक ए, यही हो जाएगा कॉट ए बराबर सेक ऊपर चल जाएगा तो सेक ए बटा रूट अंडर वन माइनस सेक स्क्वायर ए, यही था, सब निकला, टेन का निकला, कॉट का निकला और साइन का बताएं, कॉस का बताएं, अगला देखिएगा क्वेश्चन।